बिहार की राजनीति में जिस तरह का उठापटक चल रहा था उसमें अचानक से बदलाव आ गया है, या कहें तो विराम आ गया है। वो विराम किस तरह का है आप बेहतर जानते हैं। भारत लाइव में लगातार आपको खबरों के माध्यम से बताया है कि जिस तरह से तल्खियां कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में है, इन सबके बीच में आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कहकर के सारे कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी ही हो रहा है, मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें जदयू एनडीए सरकार के हिस्सा होगी केंद्र में। सम्मान के साथ हम जाएंगे। अब इस पूरे विषय पर उन्होंने जो बातें कही वो तो हमने बता दिया। अब इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अखिलेश सिंह जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है और किस तरह से वो लोग एक्सेप्ट करेंगे जदयू को, कितना सम्मान देंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। नहीं, कोई नया एक्सेप्ट नहीं करना है जी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का बहुत पुराना संबंध है जी, और इतने वर्षों से जो संबंध चला आ रहा है उसमें कोई नई बात नहीं होती है। कोई नया संबंधों का कोई नया फिर से संबंधों को फिर से, ये ऐसा नहीं है कि फिर से इसका कोई नवीकरण होना है जी। जी ये संबंध पहले से चला आ रहा है। हम दोनों की केमिस्ट्री मिलती है और हम दोनों साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं जी। लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य है विकास, और इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं जी। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके प्रति प्रतिबद्धता हो, उसके प्रति व्यक्ति ये क्या कहते हैं उसके प्रति समर्पण हो, तो कोई समस्या नहीं होती है। और जहां तक गठबंधन का मामला है, देश के अंदर गठबंधन धर्म की शुरुआत जो है, गठबंधन युग की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से गठबंधन युग का प्रारंभ हुआ, और सबने देखा है कि गठबंधन धर्म का कितना अच्छा हम पालन करते हैं, और जो हमारे घटक दल होते हैं उनको पूर्ण संतुष्ट करके इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लेकर के जो शुरुआत की है उस शुरुआत में जदयू भी साथ रही है, अगर बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दिया जाए। लेकिन 2019 में जब साथ जीत करके और 16 सीट जीत करके बिहार से गई, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था, फिर विस्तार हुआ फिर इनकार कर दिया। अब क्या ऐसा हो गया है जिसमें शामिल किया जा सकता है? नहीं देखिए, असल है कि जब दो दल एक साथ मिलते हैं तो उनके अपने अपने इश्यूज भी होते हैं जी, और परिवार के अंदर भी जब सब लोग एक साथ होते हैं तो उनके अपने कुछ इशू होते हैं जी, और उस पर बातें होती है, और अगर कुछ इशू होते हैं तो उसको हम सॉर्ट आउट भी करते हैं जी। और इसलिए अगर हम दोनों दल गठबंधन में साथ चल रहे हैं तो स्वाभाविक है साथ रहने पर कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, उसमें थोड़ा समय भी लेते हैं। तो क्या माना जाए सर, 2019 में जो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मतभिन्नता या जो भी कमियां रह गई थी उसे सुधार लिया गया है? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो मतभिन्नता ही नहीं हो जी। यह भी हो सकता है कि हम किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए समय ले रहे हों जी, हो सकता है कि उस समय में हमको उस समय लेने की आवश्यकता हो जी, और उस निर्णय पर पहुंचने के लिए हम समय ले रहे थे, और आज ये लगा कि हम सरकार में शामिल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए। नए मंत्री जो बिहार के एमपी बनेंगे वो बिहार के विकास के लिए सहयोगी होंगे, और बिहार के विकास को मुकाम से पहुंचाने में इनकी एक बड़ी भूमिका होगी, और इसलिए निश्चित रूप से एनडीए के नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ये निर्णय होना है वो स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम निकले। अखिलेश जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जदयू के साथ आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं, खास करके 2020 के चुनाव के बाद और प्रगाढ़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसी बीच में 2019 में आपके प्रबल साथी हैं जिन्होंने 6 सीट जीत करके एलजेपी में आपके साथ गठबंधन का हिस्सा बन करके और लगातार निभा भी रहे हैं, उनको आप काहे बाहर कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इन सब पर निर्णय की एक प्रक्रिया होती है, हमारा नेतृत्व है जी, और वो नेतृत्व बैठ करके निर्णय करता है जी। सभी गठबंधन में है, सभी एक साथ मिलजुल करके बैठ करके उसको तय करते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं सक्षम है इन सारे विषयों को निर्णय करने के लिए, और मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए जी। जब निर्णय पूरी हो जाए, जब वो जो निर्णय होगा सबके सामने आ जाए, तभी जाकर इसको कोई टिप्पणी करना उचित होगा,
अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी, बिहार में तो LJP के साथ आपका गठबंधन नहीं के बराबर माना जाए जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, लेकिन केंद्र में गठबंधन अभी भी जीवित है क्योंकि चिराग पासवान भी बार बार कहते हैं और आप लोगों ने भी इनकार नहीं किया है, तो क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में चिराग पासवान को भी स्थान दिया जाएगा? गठबंधन के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन सारे विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम है, सब कुछ उन्हीं को निर्णय लेना है, हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है और मैं समझता हूँ कि जो देश के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए आवश्यक होगा वो निर्णय लेंगे और हम सबको वो स्वीकार्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।